पंडित जी कहीं का को लेगा? मतलब? अरे पंडित जी कहीं का को चुरा लेगा घने जंगल में? आगे तो सुनो, उसके बाद फिर सवाल जवाब करना। चुप तो रहता बताऊ सवाली, बीच बीच में घुआरना नचा, कथा पहले पूरी हुई जान दे, वेखे बात बात करे। पंडित जी तुम सुनाओ। माता पार्वती वही घने जंगल में तपस्या करने लगी। तपस्यात भगवान शिव जी प्रसन्न होकर माता पार्वती को पति के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हमारा गाना बजाना हुई गा है तो अब पंडित जी का बुला करके पूजा उजा करवा लीन जाए, कथा उठा सुन लीन जाए, कया का विचार है सबन का? हाँ भौजी, गाना बजाना जब हुई गा है तो फिर पंडित जी का बुला के कथा सुन लीन जाए, पूजा पाठ कर लीन जाए। तो तुम एक काम करा, झट्टे से कल्लू का बुलावा, फट्टे से वह पंडित जी का लवा लई। तुम सब जने जा करके अपन पूजा की थाली लिया हुआ, अब मैं कल्लू का बुला के पंडित जी का बुला लेती हूँ, फिर बैठ के बढ़िया पूजा पाठ करी और कथा वथा सुनी। हाँ जो भौजी कहा थी वह करा, सब जने अपन अपन पूजा की थाली यही लिया हुआ, सबके सब इकट्ठा बैठ के कथा सुन लेबे एक पंडित जी से, कहे खातिर अपन अपन घर जाइबे कथा सुने, यही एक बार मानी कथा सुन लीन जाए, यही पूजा पाठ निपटा दीन जाए। आओ। हाँ तो सब जने अपन अपन पूजा की थाली लिया आए हो ना? हाँ भौजी, लागत तो है कि सब जने अपन अपन पूजा की थाली लिया आए हैं, तो फिर मैं कलुआ को बुलावा थी हूँ। हाँ भौजी बुला लिया कलुआ खातिर, तो पंडित जी का लवा लावे कलुआ। ठीक है तो फिर कलुआ। अरे कलुआ, कलुआ रे कहाँ आई रे? यहाँ आ। कहाँ अम्मा? क्या दादू? पंडित जी का लवा ला भाग के हमें कथा सुने का, पूजा पाठ करवाऊ का, पंडित जी हमसे जा। मैं नहीं जाते हूँ। क्या कह रहे थे? ता नहीं जाते पंडित जी का लवावे? दादू चौ जा, हरितालिका तीजा के हमें कथा सुने का है, चौ जा दादू, उपास से आए निर्जल, कुछ नहीं खाए पिए नवे। मैं नहीं जाते, बस क्या था कि नहीं जाते? दादू चौ जा, तोर अम्मा गुस्सा आ गए हन के। क्या गुस्सा आ गए है? जब 10 रुपया मांगा तू तब तो देत नहीं है पैसा है, और अपने काम के लाने हो तो बुला ले कलुआ, कलुआ यहाँ चौ जा, वहाँ चौ जा। अच्छा तो भाऊ जी कहे मैं नहीं जाते, तुम वो कहे मैं तो चौ जा दादू, मैं तुम्हें 50 रुपया दई हो, जा जल्दी हब्बर से पंडित जी का लवा ला जा। 50 रुपया भैया कहीं जा, आराम दे 50 रुपया दई हो। हाँ दादू 50 रुपया दई हो तुई का, आज मैं उपासी हूँ, झूठ ना बोली हो तो से ले लई हो। हाँ पैसा ले लई हो भला। अब जा कहीं दी सी ना वो तुम्हें पैसा दे खातिर, जा जल्दी से पंडित जी का लवा के ला भाग के। आओ अबे गए, अबे गए पंडित जी का लवा में, अबे गए। कह रही चित्रकूट वाली का होगा भाऊजी, कह दे ये मो लड़का का पैसा दई हो तो पैसा मैं दई हो, तक कौन होती मो लड़का के? जी बात की कही सुन ली ना, अबे पूजा पाठ का समय है, कथा सुने का है, भूखे पिया से अठा रहे, सुबह से कुछ नहीं खाए पिए, नहीं तो यहाँ से कही दिया कि मो लड़का खातिर एक और रुपया न दे, अठनी न दे, चार आना भी न दे वही का। अरे तुर्रा वाली भाऊजी वही नहीं देखा तो लड़का का पैसा, पैसा तही दई है, मैं ना दई हूँ, मैं क्या करी हो तो लड़के का पैसा देके मुही का प्रयोजन पड़ी है? वह तो मुही के झूठ बोले हो कि जल्दी से जाके पंडित जी का लवा लावा खटाक से, यहाँ देखती नहीं है भौजी, भूखन प्यासन मरे जा रहे हैं सुबह से है, दोपहरिया हो बाली, अबे पूजा पाठ करे मानिक और शाम हो जाए, कथा सुनत सुनत कहो रात हो जाए, हाँ पैसा न देने वही का भला। अरे भौजी तो फिर वह बात करे लगी, माने दई तो लड़के का पैसा वैसा। हाँ ठीक है फिर पंडित जी। पंडित जी मोर जिंदगी बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए पंडित जी, अब तुम ही सुधारा। क्या होगा बच्चा, कहे मां तोर जिंदगी बर्बाद हो गए है? पंडित जी पहले तुम मोर हाथ देखा, हाथ देखा पहले तुम मोर। पंडित जी तुमका कुछ समझ में आ मोरे हाथ में? आहा ऊहू करत रहिया बस। बच्चा तुम्हारी हाथ की रेखा चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। ए, पंडित जी तुम का देखा था, मैं तुमका का देखे का हाथ दिनो अपन। अच्छा जब तुम बताओगे नहीं तो हम कैसे जाने कि हम क्या देखे? अरे पंडित जी बहुत बड़ी समस्या है मोरे साथे, 60 साल का हो चुका हूँ, मोर अबे तक शादी नहीं होती है, जौन बिटिया देखे जात वो घर छाड़ के भाग जाती। अच्छा जो तुम्हारे हाथ में रेखाएं हैं उसमें एक तुम्हारी शादी की भी लकीर है, लेकिन वो अब शादी की लकीर नहीं रह गई, उसमें जब राहु केतु और जाने कौन कौन विराजमान हैं तो तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती, तुम ऐसे ही नपुत्री रहोगे। जाओ इससे कैसे जाऊं, तुम ही तो मोर कुंडली बनाते हो कि शादी योग्य है, कहां शादी में मोर अबे तक 60 साल हो चुका है। मैं कुंडली बनाती हूं, आओ कहां है तोर? मोर हाथ छोड़ा, अब का हुई तुमका ना बताए से, 60 साल की उम्र हो चुकी है, अब तोड़ो ना मैं शादी करी हो, शादी करी हो तो बच्चा पैदा हुई, बच्चा पैदा हुई तो वो जवान हुई, मुई का बुढ़ा जाएगा मर जाएगा है, का साल जी हो 10 साल, मुई नहीं करेगा शादी वादी अब। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी अरे दादू कलुआ था, कैसे आओ बता, एक था पूजा करावे का है और कथा सुनावे का है, चला था। हाँ दादू हाँ, पंडित जी का काम ही कितना है, हवन पूजा कराना, चल कहाँ करेगा हवन पूजा, चल पंडित जी मोरे घर में करेगा, घर में चल फिर, चल जल्दी चल। ओ, ओ पंडित जी कहाँ जाता हूँ? भाग गए पंडित जी, मोर पूरा का पूरा भविष्य
वाली बता, ये तरफ कहा जे तुर्रा वाली भौजी की तरफ, वहाँ पंडित जी बैठ जाइए तो पूजा पाठ करवा देंगे। आओ बताओ सा वाली, आओ तुर्रा वाली, वहाँ तुर्रा वाली भौजी की तरफ चले। आओ हाओ अजय बिटिया, तू ये तरफ कहा जा, कल हुआ जो है तो अबे थके पंडित जी का लवा के न ला पाओ। हाँ चित्रकूट वाली सही यार, थाले थाले पाँव सूझ गए हमार। हाँ अबे थके कल हुआ लवा के न ला पाओ पंडित जी खातिर। तो मेरी प्यारी प्यारी काकियों और माता जी, मैं पंडित जी को लवा लाया हूँ और मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अरे कोनो कोर्ट कचहरी आका या जो था पेश करे चाहता वही का बुला पंडित जी खातिर। अम्मा बहुत गर्म ही, ओ पंडित जी आवा, कहाँ रह गए पंडित जी, ओ पंडित जी। अरे आवा तू कलुआ रह जा, तो सबर रखो जाता है, मैं बूढ़ मड़ाई अतः मुझे दौड़ाए पड़ा है। आ गयो ये ले तुम्हारे पंडित जी आ गए। चित्रकूट वाली काकी पैसा याद है ना, 50 रुपया दई दी नो भला। हाँ ताबे जा, हम कथा सुन लें के बाद फिर मिलवे। ठीक है काकी मैं जा तू, तो सबके सब बैठ जावा, तो सबके सब कथा सुने का रेडी हो। हाँ पंडित जी तुम कथा सुनावा, पूजा बात की करवाई बे। तो बोलिए भोले शंकर नाथ की जय, भोले शंकर नाथ की जय, गौरा रानी पार्वती की जय, गौरा बिटिया हरा, यह कथा का मन लगा के, ध्यान लगा के, कान लगा के बढ़िया अच्छे मन से सुनिया। ये तुम्हारे लाने आया कथा, तुम्हें यामा पति का सौभाग्य प्राप्त हुई भला। हाँ तो फिर सुना, मैं शुरू करत हूँ कथा का। ठीक है पंडित जी तुम सुनावा कथा। भद्रपात मास की इस तीजा का नाम क्यों पड़ा हरितालिका, तो इस कथा को कान लगा के सुनना, मैं आपको सुनाता हूँ। बिटिया हरा हाँ तो जोड़ लिया। तो पंडित जी लिया जोड़ ली, तो सुना। माता पार्वती मन ही मन में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनकी पूजा में लीन रहती थी। जब उनकी सखियों को यह बात पता चली तो वह ने उन्हें उनके घर से चुरा कर एक घने जंगल में ले गईं। पंडित जी कहीं का को लेगा मतलब? अरे पंडित जी कहीं का को चुरा लेगा घने जंगल में? आगे तो सुनो, उसके बाद फिर सवाल जवाब करना। चुप्पा तो रहता बताऊ सवाली, बीच बीच में घुआरना नचा, कथा पहले पूरी हुई जान दे वेखे बात बात करे। पंडित जी तुम सुनावा। माता पार्वती वहीं घने जंगल में तपस्या करने लगी। तपस्यात भगवान शिव जी प्रसन्न होकर माता पार्वती को पति के रूप में प्राप्त हुए थे। बिटिया जो तो पूछे थे वाखा में तुम्हें उत्तर देतु, देख यह है कथा में। क्योंकि माता पार्वती को उनकी सखियां उनके घर से चुरा ले गई थी। बिटिया समझ में आओ तुम्हें का? पंडित जी अब कथा समझ में आ गई मुई का, जो माता पार्वती जी की सखियां रही है वहीं उनका चुरा ले गई थी जंगल मानी है ना? हाँ वहीं चुरा ले गई थी। अब आगे सुनो, इसी वजह से इस व्रत का नाम हरितालिका तीजा पड़ा। तो बोलो शंकर भोलेनाथ की जय, गौरा रानी पार्वती की जय। तो अब ऐसा है सब कोनो 500 रुपया दक्षिणा निकाल दिया, तो मैं चलूं अब। पंडित जी अभी तो तुम तो कथा भर सुनाए हो, अभी पूजा तो करवाए नहीं हो, अब तुम कहा तो 500 रुपया दक्षिणा ध्यान। तो बिटिया मैं पूजा भी करा दई हूँ, पहले दक्षिणा तो निकाल रहा, अब कथा तो सुन ली ना, दक्षिणा निकाल दिया 500 रुपया, फिर मैं तुमका पूजा करा दूँ, फिर मैं जाऊँ अपने घरे। पंडित जी तुम पहले पूजा तो करावा, वाकई बात हम तुमका दक्षिणा दिया था। ऐसा कहूँ कुछ नहीं होता है, कथा सुना दी नो बिना दक्षिणा के, लेकिन अब तुम पहले पैसा दिया देखे बाद में तुमका पूजा कर रही हो, नहीं तो फिर मना कर रही हो, यहीं तना बैठ रही हो। पंडित जी करा दिया, शाम हुई आई है भूखे पिया से आई, तो दक्षिणा दिया ना। ठीक है दिया था दक्षिणा, लेकिन पूजा करा के जाइया। अरे पंडित हूँ बिना पूजा कराए ना जइयो, मोरी बात में भरोसा करा बिटिया। ठीक है कलुआ, ए कलुआ ये भाई नहीं हरा, हम कथा सुन ली, गाना बजाना होगा, अब हमार पूजा भर बची, तो हम पूजा करके हम जाते हैं, अपन खाना पीना खाए, हमार तीजा को उपवास होगा। और एक बात तुमका हम बता दिया अच्छे से, हमार जो है तो अब हम ये वीडियो खत्म करी थे और आगे दूसरी कहानी आई देखे बाद। अब जय हिंद जय भारत जय श्री राम। और एक बात तुम्हें हम बता देते हैं, चैनल मानी अगर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो नीक लागो तो वीडियो का भी तुम लाइक करा, कमेंट करा, शेयर करा और चैनल का सब्सक्राइब करा मत भूलिया। ठीक है तो चलते भैया।